नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में। मुजफ्फरपुर में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने की खबर आने के बाद मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना फुल एक्शन में दिखे। रविवार की देर रात तक नगर आयुक्त ने शहर के मुख्य मार्गों सरैयागंज टावर चौक से लेकर पक्की सराय चौक तक साफ सफाई करवाया। नगर आयुक्त ने कहा कि मुहर्रम का पर्व नजदीक होने के कारण शहर में युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अतिक्रमण और कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत जिन दुकानों के पास अपना डस्टबिन नहीं पाया जाएगा उन्हें फाइन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर हमारे अंदर खुद जागरूकता होनी चाहिए। निगम अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन जनता का समर्थन भी मिलना चाहिए, जिससे नगर निगम को सहयोग मिलेगा। वैसे तो कल रात से हम लोगों ने साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। कल रात को भी हम लोगों ने कूड़ा उठाया था। आज आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई है कि निगम के कर्मियों ने हड़ताल तोड़ दिया है और वो लोग भी सफाई पे कल से वापस लौटेंगे। लेकिन अभी रात्रि में हम लोग, क्योंकि मुहर्रम का पर्व नज़दीक है, तो जितना भी जगह पे कूड़ा का अंबार लगा हुआ है उसको कॉम्पैक्टर वॉकर के माध्यम से उठाते हुए क्लीन करने का प्रयास कर रहे हैं। मुहर्रम के मद्देनज़र कुछ स्पेशल जगहों पे भी साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है। जिन रूट्स पर मुहर्रम का ताजिया का जुलूस निकलता है उन रूट को हम प्रायोरिटी पर वॉकर और कॉम्पैक्टर के माध्यम से सफाई करवाएंगे और अन्य स्थलों पर उसके बाद हम लोग नियमित सफाई करवाएंगे। नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण के लिए कुछ विशेष अभियान चलाया जाएगा क्या? अतिक्रमण और जितना भी मार्केट एरिया में दुकानें हैं, अभी जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी दुकानदार शाम को जब दुकान बंद करके जाता है तो पूरा कचरा सड़क पे नॉर्मली फेंक के चला जाता है, या फिर सुबह दुकान खोलता है तो पूरा कचरा सड़क पे फेंक के चला जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इन लोगों को अपना स्वयं का एक डस्टबिन रखना चाहिए, डस्टबिन में इनको कचरा रखना चाहिए, और जब भी निगम का गाड़ी आता है तो इनका स्वयं को इतना जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो लोग डस्टबिन को निगम की गाड़ी में अपना कचरा का निष्पादन करें, ताकि सड़क पर किसी तरह का गंदगी ना दिखे। ये एज ए सिटीज़न भी उनको अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए। और हम इसके लिए अब आगे से फाइन का मुहर्रम के बाद पूरा ड्राइव चलाएंगे और जहाँ जहाँ इस तरह का दोषी चिन्हित दुकानदार पाया जाएगा उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।